हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसरक टेक। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हम वीएमवेयर का हेल्प लेंगे। वीएमवेयर के थ्रू हम इस वीडियो में आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमको एक वीएमवेयर का सेटअप फाइल चाहिए होगा, दूसरा जो है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ फाइल हमको डाउनलोड करना होगा ताकि हम वीएमवेयर के अंदर उसको हम इंस्टॉल कर सके। तो चलिए यहाँ पे हम जो है उबंटू का आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए अब हम सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे। जो भी आपका फेवरेट ब्राउजर है उसको आप ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा उबंटू। तो यहाँ पे आपको उबंटू टाइप कर देना है। जैसे ही आप उबंटू सर्च करेंगे तो यहाँ पे उबंटू इंटरप्राइजेज करके एक वेबसाइट दिखेगा, उबंटू.com। इसको आपको ओपन कर लेना है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस वेबसाइट पे आते ही आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस डाउनलोड पे क्लिक करना है। और डाउनलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे उबंटू डेस्कटॉप करके एक ऑप्शन दिखेगा और नीचे जो है गेट उबंटू डेस्कटॉप का एक बटन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे और नीचे आप आएंगे। नीचे आने पे यहाँ पे जो है उबंटू 22.04.2 LTS ये आपको ऑप्शन दिखेगा। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है 4GB सिस्टम मेमोरी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है जो कि 25GB का फ्री स्पेस जो है हार्ड डिस्क में वो भी होना चाहिए, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो डिटेल्स है एक्चुअली बताया गया है जब आप मेन मशीन में इंस्टॉल करते हैं उसके लिए। तो चलिए यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे शो कर रहा है थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, ठीक है। इसको जिस भी लोकेशन पे आपको डाउनलोड करना है वो लोकेशन आप यहाँ से दे देंगे। तो यहाँ पे हम इसको डेस्कटॉप दे देते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और ये जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें हम डाउनलोड पे आते हैं। देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इसको हम अभी पॉज कर देते हैं बिकॉज इसको हम ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड कर चुके हैं। इसको अभी हम यहाँ पे कट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम डाउनलोड कर चुके हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम अपना फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ डाउनलोड के अंदर आएंगे और ये देखिए ये उबंटू जो है 22.04.2 ये यहाँ पे शो कर रहा है जो कि डाउनलोड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हमको क्या डाउनलोड करना होगा, ये वीएमवेयर वर्क स्टेशन जो है इसको हमको डाउनलोड करना है, उसका सेटअप फाइल। न्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे वीएमवेयर वर्क स्टेशन डाउनलोड और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है डाउनलोड वीएमवेयर वर्क स्टेशन प्रो। आपको प्रो डाउनलोड नहीं करना है, फ्री का जो आता है वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको ट्राई वर्क स्टेशन 17 प्लेयर फॉर विंडोज और इसी के आगे ट्राई वर्क स्टेशन 70 प्लेयर फॉर लिनक्स। अगर आप लिनक्स के लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं वीएमवेयर तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं वीएमवेयर वर्क स्टेशन तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नाउ का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे डाउनलोड नाउ पे और वीएमवेयर वर्क स्टेशन जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप सेव कर लेंगे, ठीक है। इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं और यहाँ पे सेव पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ये वीएमवेयर प्लेयर जो है ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे और ये हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद। यहाँ पे हम एक बात क्लियर करना चाहेंगे, ये जो वर्चुअली अगर आप उबंटू को इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए किसी भी पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी का कोई भी जरूरत नहीं है। बूटेबल बनाने के लिए आप डायरेक्ट जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। पेन ड्राइव का तब जरूरत पड़ेगा जब आप मेन मशीन में इंस्टॉल करते हैं उबंटू को, तब पेन ड्राइव का जरूरत पड़ेगा। अभी पेन ड्राइव का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको डाउनलोड कर लेना है आईएसओ फाइल एंड वीएमवेयर का सेटअप। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं। देखिए ये जो है वीएमवेयर वर्क स्टेशन यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे डन शो कर दिया। इसको हम डेस्कटॉप पे दिखा देते हैं आपको। देखिए ये यहाँ पे जो है ये डाउनलोड हो चुका है। अभी जो है डेस्कटॉप पे वीएमवेयर का सेटअप फाइल आपको दिख रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वीएमवेयर को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। वीएमवेयर को इंस्टॉल करने के लिए इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है यस कर देना है। यस करने के बाद देखिए ये वीएमवेयर जो है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। ये इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर से शो करने लगेगा। आपको पेशेंस रखना होगा यहाँ पे। देखिए अब हमको यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी वीएमवेयर का टर्म एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट द टर्म, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है दोनों सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और हम चाहते हैं जो कि डेस्कटॉप पे इसका आइकन क्रिएट हो जाए तो ये यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे और ये जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वीएमवेयर का शॉर्टकट जो है वो भी जनरेट हो चुका है और ये अभी इंस्टॉल हो ही रहा है। इसको हम पूरा इंस्टॉल होने देंगे। देखिए यहाँ पे जो है हमारा वीएमवेयर वर्क स्टेशन इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ हम फिनिश पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करने के बाद जो हमारा वीएमवेयर है इसको हम अगेन हम ओपन करेंगे, ठीक है। एसपीएम डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए यूज वीएमवेयर वर्क स्टेशन 17 प्लेयर फॉर फ्री फॉर नॉन कमर्शियल यूज, इसको सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे
फिनिश पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ये VMware वर्क स्टेशन ओपन हो चुका है। Ubuntu को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो है डी ड्राइव के अंदर हम फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉपअप आ चुका है सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसको अपडेट नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्लिक कर देना है स्किप दिस वर्जन। अगर आप अपडेट करेंगे तो क्या होता है, बहुत सारे एरर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसको मैंने करके देखा हुआ था, काफ़ी एरर आने लगते हैं, इसलिए जो है इसको अभी आपको अपडेट नहीं करना है, स्किप दिस वर्जन यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं डी ड्राइव के अंदर, ठीक है। इस डी ड्राइव के अंदर हम आ गए और यहाँ पे जो है न्यू फोल्डर करेंगे और यहाँ पे हम Ubuntu करके एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर चुके हैं, जो फाइल मैंने डाउनलोड किया हुआ था ISO फाइल, उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से कट कर लिए हैं। कट करने के बाद अगेन हम इसमें आ जाएंगे Ubuntu वाले में, इसको हम पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पेस्ट होने में। देखिए यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो VMware वर्क स्टेशन हम ओपन किए थे इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं, ये पॉपअप आपके सामने आएगा और यहाँ पे जो है इंस्टॉलर डिस्क इमेज ISO फाइल जो हमने Ubuntu अभी उसमें पेस्ट किया था Ubuntu फोल्डर के अंदर, ठीक है, ISO फाइल उसको यहाँ से हम ब्राउज कर लेंगे। ब्राउज पे क्लिक कर दिए हैं और हम आ जाते हैं डी ड्राइव के अंदर और यहाँ पे Ubuntu नाम का फोल्डर हम क्रिएट किए थे, इसके अंदर जो है Ubuntu जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो हम डाउनलोड कर रखे थे ISO फाइल, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फुल नेम, यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड भी डालना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है जो आप मशीन का नाम रखना चाह रहे हैं वो नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं और जो पाथ आप सेलेक्ट करना चाहेंगे वो पाथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हम फोल्डर क्रिएट किए थे उस फोल्डर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम नीचे आएंगे, डी ड्राइव के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पे जो ये Ubuntu का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, बट कोई बात नहीं, इस फोल्डर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आपको डिस्क स्पेस जो है वो यहाँ पे लोकेट करना होगा। तो यहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे तो आप 80 GB का जो है वो स्पेस आप यहाँ पे दीजिए, तो बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है रिकमेंड तो 20 GB ही किया जाता है, बट हम आपको रिकमेंड करते हैं कम से कम 80 GB का यहाँ पे आप स्टोरेज जो है इसको अलाउ कीजिए और यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये कस्टमाइज हार्डवेयर का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे फिनिश नहीं करना आपको, ये कस्टमाइज हार्डवेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे से आप रैम जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, कितना रैम आप देना चाह रहे हैं। हमारे सिस्टम में ज़्यादा प्रोसेसर नहीं है, इस कारण से यहाँ पे हम 2 रहने देंगे, ठीक है। अगर आपके केस में ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो है आप नीचे आएंगे, डिस्प्ले के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो है एक्सेलरेटेड 3D ग्राफिक्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको अनचेक करना है। इसको अगर आप अनचेक नहीं करेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है Ubuntu वो इंस्टॉल नहीं होगा। इसको जो है आपको अनचेक करना ही है, अदरवाइज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। ये हम कर दिए हैं, यहाँ पे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। देखिए ये VMware का लोगो आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा इंस्टॉलेशन का वो सारा प्रोसेस होगा। यहाँ पर कई बार एक एरर देखने को मिला है VTX करके, ये VTX क्या है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो BIOS होगा उस BIOS में जाकर के वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डिसेबल होगा, उसको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल कर देंगे तो VTX करके जो एरर आएगा वो आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। ये सभी को नहीं आएगा, किसी किसी को आ सकता है जिसका वर्चुअलाइजेशन जो है वो ऑफ है BIOS में, उसको ये एरर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो है हमको कोई भी एरर नहीं दिया है, यहाँ पे जो है Ubuntu हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलिंग करके शो कर दिया है, ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आपको कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पे हम English US सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो है कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल इंस्टॉलेशन रहने देंगे और यहाँ पे डाउनलोड अपडेट व्हाइल इंस्टॉलिंग Ubuntu है, इसको हम सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है इंस्टॉलेशन टाइप, तो यहाँ पे सेलेक्ट रहने देंगे इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल Ubuntu। यहाँ पे इरेज डिस्क है, इसका मतलब आप ये नहीं समझिए जो कि आपके डिस्क को ये इरेज कर देगा। यहाँ पर जो आपका होस्ट मशीन होता है, यानी कि जो आपका मेन मशीन है, और वर्चुअल मशीन जो होता है ये फुली आइसोलेटेड होता है, तो ये आपके डिस्क को इरेज नहीं करेगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट रहने देंगे इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल Ubuntu और इस पर हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है कोलकाता हम रहने देंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो नेम है और जो कंप्यूटर नेम रखना चाह रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड जो आपका Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा वो यहाँ पे सारा डिटेल्स डाल देना है। यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है
और यहाँ पे सेलेक्ट रहने देंगे रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉगिन। जिस टाइम आप लॉगिन करेंगे उस टाइम में पासवर्ड ये पूछे, इसलिए इसको सेलेक्ट रहने देंगे। आप चाहते हैं पासवर्ड सेट नहीं करना तो ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर लॉगिन ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बट हम चाहते हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे, तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल करके रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉगिन इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सारा फाइल जो है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 10 से 20 मिनट का टाइम लगता है, आपको वेट करना है। यहाँ पर कुछ टाइम और लगेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अप्रॉक्स यहाँ पे टोटल इंस्टॉल होने में 20 मिनट का टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट शो कर दिया। यहाँ पर ये स्टार्ट करने के लिए बोलेगा, यहाँ पर ये स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है और हमारा जो Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर जो निसर्ग हम यूजर नेम रखे थे ये यहाँ पर शो कर दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए आ गया, तो जो हम पासवर्ड सेट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए ये यहाँ पे इस तरह से जो है Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंस्टॉल हो चुका है और ये ओपन हो चुका है। इसका स्क्रीन जो है वो आप सेट कर सकते हैं, इसका रेजोल्यूशन। यहाँ पे हम अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डन कर देंगे। इसका स्क्रीन देख रहे हैं अभी छोटा दिख रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके और इसके सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर एक आपको डिस्प्ले का ऑप्शन शो कर देगा सेटिंग के अंदर। देखिए इसमें आप आएंगे, नीचे यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पे एक डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके जो है आप इसका रेजोल्यूशन जो है वो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं कुछ भी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हैं। कीप चेंज पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको फुल स्क्रीन का, तो VMware को जो है आप फुल स्क्रीन पे भी रन कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप फुल स्क्रीन पे इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ से सेटिंग क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे जो है फुल स्क्रीन से हट सकते हैं। इस पर अगेन हम क्लिक करेंगे तो एग्जिट फुल स्क्रीन मोड है, इस पर क्लिक कर देंगे हम रिटर्न फुल स्क्रीन मोड से आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि VMware के अंदर आप Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।